अगले कॉलर राजस्थान से शेर सिंह, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार नमस्कार। जी, आदाब साहब जी। हेलो। जी शेर सिंह जी, बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार सर। आदाब साहब। हाँ सर, मेरे पिताजी को 4-5 साल से पहले लगवा हुआ था, तो उसमें अभी उनके एक पेट में सुन सुन रहता है। हाँ देखिए, फिजियोथेरेपी जरूर किया करिए उनकी। जो हिस्सा सुन रहता है, जैसे हाथ सुन रहता है तो इसको हिलता नहीं, तो इसे खुद हिलाएं, फिजियोथेरेपी से कराएं। फिजियोथेरेपी महंगी पड़ती है, तो अपने हाथ से या अपने दूसरे छोटे बच्चों से इसे खूब हिलाया करें। और देखिए, एक आता है जैतून का सिरका। जैतून का सिरका, ये विनेगर को कहते हैं सिरका, ये ले लीजिए और 3 चम्मच रात को पानी में मिला के रोज़ाना एक बार या 2 बार पिलाया करें। ये उस नर्व को जाके खोल देता है जिस नर्व के दिमाग में बंद होने से पैरालिसिस होता है और कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है। और इसमें एक खासियत यह है कि ये दोबारा पैरालिसिस होने नहीं देता, अपना कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। दिल का भी बहुत ख्याल रखता है, पेट का भी बहुत ख्याल रखता है। आप ये देना शुरू करें पिताजी को और उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं अल्फाज शेख, महाराष्ट्र से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी जी हकीम साहब से बात हो रही। हाँ जी जी बताइए आदावर्स अल्फाज भाई। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी हकीम साहब। वालेकुम सलाम, जीते रहिए, बताइए। जी हकीम साहब, मेरी ये परेशानी है कि हकीम साहब, मैं 2 सालों से कमजोर हाजमे की वजह से परेशान हूँ, और इसका हाजमा कमजोर हो गया हकीम साहब के, एक चिकने का पचता नहीं, और एक रोटी खाता हो तो उसको भी हजम करने के लिए आधा आधा घंटा घूमना पड़ता है। बहुत परेशान हूँ हकीम साहब। जब कब्ज रहता है क्या? हाँ, कब्ज की भी वो शिकायत है हकीम साहब, और गैसेज की भी है, और 22 साल मेरी उम्र है। मुश्किल से लैट्रिन होती है ना आपको? जी हकीम साहब। अच्छा बेटा, आप लिख लीजिए नुस्खा, अभी तो आप स्टूडेंट होंगे, और लिख लीजिए आप सौंफ, धनिया और मेथी दाना और सूखा हुआ आंवला। सौंफ, धनिया, मेथी दाना और सूखा हुआ आंवला 200-200 ग्राम लें। और एक नमक आता है, नमक जैतून कहते हैं, या रसायन जैतून हिंदी में कहते हैं, एस्टेक जैतून इंग्लिश में कहते हैं, ये 100-150 ग्राम ले लें और इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और एक एक चम्मच सुबह शाम खाया करें पानी के साथ। और इससे आपका हाजमा और पेट का पूरा सिस्टम, आपका लीवर का सिस्टम, पेट का, आंतों का, किडनी का, भूख का, ये सब शुरू हो जाएगा, और इसे ख़त्म करके आप पूरी तरह ठीक होना आपका मुमकिन है। जी, रेवाड़ी से नेक्स्ट कॉलर है श्रीचंद, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार, जी आदा सवाल आपका। जैतून का सिरका के काम आवे जी? क्या कह रहे हैं? जैतून का सिरका किस चीज में काम आता है? किस चीज में काम आता है? जब देखिए, जैतून का सिरका जो है, एक तो कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है, एक पैरालिसिस का दुश्मन है, एक आपका डायबिटीज का दुश्मन है, एक हार्ट ब्लॉकेज का दुश्मन है, दिल का बड़ा ख्याल रखता है, पेट का बड़ा ख्याल रखता है, किडनी और लीवर का ख्याल रखता है, और ब्लड प्रेशर का दुश्मन है। आपको जिस लिए चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में एक बार या 2 बार 3-3 चम्मच पानी में डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए, आपने जान लिया है कि जैतून का सिरका किन रोगों को दूर कर सकता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो और अधिक जानकारी अगर आप किसी और रॉ मटेरियल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। दर्शकों, देखिए लाइव कार्यक्रम होता है, और आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि आप लोग अपना प्रश्न एकदम तैयार रखिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, वक्त अपना बहुत कीमती निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़ते हैं। तो अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने लगातार दिखाई जा रही हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो हेलो।
क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सुरेखा अभी बात कर रही थी। हाँ जी सुलेखा जी, बताइए सवाल। मैं हकीम साहब से बात कर रही थी। जी सुलेखा जी, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी बताइए। मैं सुरेखा उम्र से बात कर रही। मैं वो अभी अभी फोन कर रही थी तो बराबर बोली नहीं। जी जी अब बोलिए, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से। क्या नसों में खिंचाव रहती है? ठीक है ठीक है। नसों में खिंचाव रहती है और जोड़ों में दर्द रहता है, मेरे सर की नसें निकल लप लप करती है। अच्छा उम्र बता दीजिए, अपनी उम्र बता दीजिए सुलेखा जी। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। देखिए मैंने अभी इसी प्रोग्राम में शायद 5-6 बार बताया होगा, एक नुस्खा बड़ा कामयाब है और उसमें एक हिदायत भी है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो समझ लें कि एक तो ऐसे रोगियों के घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना ज़रूरी है, जो ऐसा कुर्सी वाला जो होता है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और एक गोंद आता है, गोंद स्याह, ये असली लें, नकली बहुत मिलता है। काला गोंद होता है, कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी, और आपके ये तमाम रोग मुक्त करना इस गोंद की जिम्मेदारी। ये 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त कर सकता है। इसका खाने का तरीका 0.5 ग्राम सुबह 0.5 ग्राम शाम को है, खाने के पश्चात पानी से या बगैर चर्बी के दूध से भी ले सकते हैं। जी दिल्ली से अगले कॉलर हैं हरभजन सिंह हमारे साथ, स्वागत है आपका, जल्दी से अपना प्रश्न कर लीजिए। जी बोलिए। पेट में दर्द रहता, पेट में दर्द रहता है। एज क्या है आपकी? 60 साल। बाईं तरफ। हाँ देखिए बहुत सारे नुस्खे हैं जो आपको आसान हो आप कर सकते हैं। एक से एक नुस्खा मैं बताता हूँ, लिख जरूर लिया करें, और जो लोग लिखते हैं उन्हें चाहिए कि दूसरों को बांट दें वो नुस्खा, क्योंकि ये अगर आपके अपने लिख लिया तो मेरे बाद भी आपके काम आते रहेंगे। और देखिए बेल का मुरब्बा लीजिए, बेल का मुरब्बा, ये पत्थर बेल जिसका शरबत वगैरह पीने लगे आजकल लोग, ये बेल आती है पत्थर बेल या बेल पत्थर, इसका मुरब्बा मिलता है, एक 3-4 इंच का पीस सुबह खाली पेट खाया करें और फिर पानी पी लिया करें। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो शाम को भी एक पीस उसका खा लिया करें, या आप कुछ दिन लेंगे तो आपको फायदा होना मुमकिन है। जी देहरादून से अगले कॉलर हैं सुरेश जी, स्वागत है आपका। बोलिए। जी आदाब सुरेश जी। हाँ जी, मेरे को 2 साल से पैरालिसिस हो गया था। जी और उसमें एक हाथ पैर में थोड़ा बहुत चल फिरता हूँ, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता था। जी 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 जी, और बताइए कुछ कहना है। भाई हाथ पैर में एक दाएं हाथ पैर में दर्द है, वो मतलब पैरालिसिस है। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा देखिए आप मेरी बात गौर से सुने, जितने भी पैरालाइज्ड के मरीज हैं वो गौर से सुने। देखिए जैतून का सिरका अगर 3-3 चम्मच सुबह शाम पिया जाए तो ये उस जगह की रिपेयर करता है जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। अब ये हमारे दिमाग की किसी नर्व में कोलेस्ट्रॉल युक्त खून जब जम जाता है और वो नस ब्लॉक हो जाती है तो हमें फालिज होता है। तो ये फालिज या पैरालाइज जिसको भी होता है वो बार बार होता है, तो इसलिए भी पिए कि ये ठीक हो जाए, इसलिए भी पिए कि दोबारा ना हो, ये नहीं होने देता दोबारा। जैतून का सिरका 3-3 चम्मच सुबह शाम पीना है, और दर्द के लिए आप लें गोंद स्याह 0.5 ग्राम सुबह 0.5 ग्राम शाम, असली लेना ज़रूरी है आपका, कड़वा होता है, गोंद स्याह कहते हैं, 0.5 ग्राम सुबह 0.5 ग्राम शाम लें, और नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी, 0.5 ग्राम खाएं, 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आपका तमाम दर्द हर लेने की सलाहियत रखता है।
जी। अगले कॉलर हैं राजस्थान के भरतपुर से लक्ष्मी देवी जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी लक्ष्मी जी, सवाल करिए। मेरे क्या सर, मेरे गठिया वार है बहुत ज्यादा और मेरे क्या दर्द रहता है और सूजन रहती है। एज क्या है आपकी? हाँ उम्र क्या मेरी है? मेरी एज है 45 साल। ठीक है। और कितने सालों से है ये लक्ष्मी जी? मुझे क्या 5 साल हो गयी, कम से कम 5 साल हो गयी मेरे, और मेरे बहुत दर्द रहता है सारे शरीर में और मैं बहुत परेशान हूँ और यहाँ पे गोमसिया मिल नहीं रहा है। मैं आपका कार्यक्रम देखती हूँ रोजाना। धन्यवाद। जिसको गोमसिया नहीं मिले तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात करें, वो आपके इलाके में कहाँ मिलता है और कैसे मिलता है आपको बता देंगे। ये बड़े दुकानदार रखते हैं, छोटे दुकानदार नहीं रखते। आप असली वाला लेना और आधा आधा ग्राम खाएं, आप बिल्कुल अच्छी हो सकती हैं। ये गोंद कड़वा ज़रूर है लेकिन फ़ायदे में ये बहुत अजीब है। मेरे जीवन में ऐसा गोंद कभी नहीं आया कि जो इतना फ़ायदा करता हो। आप प्रोग्राम देखती हैं, आप देखती हैं कि फीडबैक कितने आते हैं। लोग अगर 10-15 दिन इंतज़ार करें तो फ़ायदा नज़र आता है, 5 दिन 10 दिन तो ज़रूर लग जाते हैं फ़ायदा शुरू होने में, एकदम से पूरा फ़ायदा नहीं होता। 4-5 महीने इसको इस्तेमाल करें, 100 ग्राम भी खरीद लें तो ये ख़त्म होने से पहले आपके रोग मुक्त करना की सलाहियत रखता है। जी काजल है अगली कॉलर अंबाला से, स्वागत है आपका। जी थैंक यू मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए। हकीम साहब जी को नमस्कार। आदाब काजल जी। मेरे को ये प्रश्न है जी, मेरा लाइन ना काटा जाए, मेरा पूरा बात सुनना पड़ेगा। जी मेरा, मैंने वो जो दो में ऑर्डर किया था गोन किया और गोन मोइंदा, तो वो मेरे पास तो आया लेकिन वो पिसता नहीं है जी, बहुत टाइम लगता है, तो बिल्कुल पत्थर का तरह हार्ड है। ठीक है, एक तो इसकी पहचान कर लीजिए कि यही असली है और इसे पहले तोड़िए। अमाम दस्ता होता है ना गांव वालों के पास, आप गांव वाले हो शहर वाले? नहीं नहीं जी, हम गांव से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हम भी गांव से आता हूँ। तो ऐसे इमाम दस्ते में डाल के थोड़ा कूट लीजिए, फिर छोटा छोटा हो जाए, फिर ग्राइंडर में घुमाइए, फिर एकदम पाउडर हो जाएगा। और क्या सवाल है? सब मेरा तो पाउडर में बनाई, बहुत मेहनत से, इसका मेहनत का क्रेडिट मेरे हस्बैंड को है, उन्होंने ही किया मेरे लिए इतना मेहनत। और मेरे को ये प्रश्न है, मेरे को आपका कॉल सेंटर से बात हुई, खाने में मैं क्या खाऊं और कैसे लूं इसको, जैसे दोनों ही दूध में लेना है क्या ना और किसी में लेना है, और खाने में मेरे को क्या क्या अवॉइड करना है? कौन सा गोंद खाना है आपको? ये जो गोंद मोरिंगा जो सफेद वाला, और गोंद किया जो इसका जो कोर्बी आपने बताया ना, ये कोर्बी है आपका सेंटर से आया है, ये जो पीसा था इसका मुंह में जा रहा था तो बहुत करवा छोड़ी थी मुंह में। ठीक है बेटा। ये गोंद सिया भी आपको ही खाना है क्या? जी जी मेरे को ही है, मेरे को बैक पेन है, मेरे को 4 साल से, इसका मेन कारण है मेरा बच्चा जो हुआ सीजर में, इसका बाद से है, और मेरे को कब्ज भी रहता है, गैस भी बनती है और बाल बहुत जल रहा है, बाल तो ऐसे बहुत लंबी है लेकिन जल रहा है बहुत। तो फिर मेरे को बात हुई है आपका सीनियर जो आरपी वर्मा, उन्होंने बोला बालों के लिए तेल भी ऑर्डर करना है और शैम्पू, तो फिर देख लीजिए सर, हम तो गरीब है, इतना पैसा तो हमारे पास होता नहीं है, अभी कोरोना का वजह से तो मुश्किल है, लेकिन मेरा पैसा नहीं ज्यादा है इसलिए मैं मंगाई। कोरोना ने बड़े बड़े रईसों को गरीब कर दिया, हमें भी गरीब कर दिया। और आप ये यही शुरू करिए, अभी कुछ मत लीजिए, और भगवान है ना, वो चाहे तो इसी में फ़ायदा दे दे, वो चाहे तो इसके बगैर फ़ायदा दे दे। भगवान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, विश्वास भगवान में रखिए। गोंद सिया आधा आधा ग्राम खाना है, इसको अगर ज़रा सा पानी मिला देना तो ये एक जगह हो जाता है, नरम हो जाता है एक जगह, इसकी गोलियाँ बना लें चने के बराबर या उससे ज़रा सी बड़ी, और एक एक गोली सुबह शाम खाएं, ये आसान हो जाएगा। और वो गोंद मोरिंगा पानी में डाल सकते हैं, पाउडर करके पानी में 1 चुटकी 2 चुटकी पानी मिला के एक बार पिया करें, और आपको जब फ़ायदा हो तो कुछ भी करना पड़े, कॉल मुश्किल से मिले या कैसे,
आपको बताना है कि आपको कितना फ़ायदा है। 15-20 दिन बाद फ़ोन करें, आपकी हर जोड़, हर नस, हर दर्द का ठीक होना मुमकिन है। जी।